हजरत बहलोल के ज़माने में बगदाद के बादशाह की दिली तमन्ना थी कि हजरत बहलोल दाना उससे मुलाकात करें, लेकिन आप कभी भी बादशाह के दरबार में तशरीफ ना ले गए। एक दिन यूं हुआ, बादशाह छत पर बैठा था। उसने हजरत बहलोल दाना को शाही महल के करीब से गुजरते देखा तो बादशाह ने हुक्म दिया कि बहलोल दाना को जाल डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनाचा ऐसा ही किया गया। जब हजरत बहलोल बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, बहलोल तुम ये बताओ कि तुम अल्लाह तक कैसे पहुंचे? हजरत बहलोल ने फरमाया, जैसे तुम तक पहुंचा। बादशाह ने अर्ज की, मैं कुछ समझा नहीं। हजरत बहलोल मुस्कुराए और फरमाया, ऐ बादशाह, अगर मैं खुद तुम्हारे पास पहुंचना चाहता तो नहा धोकर अच्छा लिबास पहनकर दरबान की मिन्नत करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्ज पेश करता, फिर घंटों इंतज़ार करता, फिर भी मुमकिन था आप मेरी दरख्वास्त रद्द कर देते। जबकि तुमने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह अल्लाह ताला को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसी वक्त कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबिदों के लिए बाइसे रश्क बन जाती हैं।